नाजरीन, क्या आपको बेवक्त नींद आती है? तो इसका इलाज आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फाऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे आप सब लोग? माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों में से कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है, अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय इस्लामिक कनेक्ट चैनल। तो नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में सुन लिया होगा कि बेवक्त बाज़ुकार लोगों को बेवक्त नींद आती है, ऐसे बैठे बैठे नींद आती है, या तो ना पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और टाइम पर उठ नहीं पाते, नींद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका भी इलाज मैं आज लाया, तो इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। ये रेगुलरली करना है और कोई गैप नहीं रखना बीच में, तो इंशाल्लाह ये इससे आप लोग की हिफाजत। और ये दोनों बातों का मोस्टली यूँ होता है कि स्टडी करते करते नींद आ जाती है, यूँ भी अक्सर आप लोगों के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं या तो लोग कोई और भी हैं, हर किसी को यूँ पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। कभी भी कोई पढ़ रहा होता है कि उसे नींद आ जाती है। ये मैं आप लोगों को इसका इलाज बताता हूँ। एक गिलास पानी, अगर पानी नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो एक गिलास पानी और एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर नहारमो यानी कुछ खाने से कबल, और अगर रोज़े वगैरह है तो इफ्तार के वक्त उसका इस्तेमाल कीजिए। और इंशाल्लाह जो अगर आप लोग स्टडी वगैरह कर रहे होते हैं, जो बेवक्त नींद आती है ऐसे ही, अगर चाहे हम ज़्यादा भी सोए हो फिर भी यूँ झटके लग रहे होते हैं नींद के, तो इससे इंशाल्लाह हिफाजत रहेगी, इस बीमारी से भी आप लोगों का छुटकारा होगा। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये है कि नींद बहुत आती है, तो नींद बहुत आने की वजह से वो काफ़ी काम पीछे भी रह जाता है। तो जज़ाकअल्लाह खैर मेरे वीडियो देखने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।